हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम कुर्ती की फ्रंट नेक के लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुर्ती तैयार कर ली है और ये मैंने बकरम लिया हुआ है। ये मैंने टू फोल्ड में इसको रखा हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 4 इंच और लेंथ लंबाई में मैंने इसे 7.5 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो नेक की ब्रॉडनेस के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच ले रही हूँ और नेक डीप मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ भी हम 2.5 इंच ले लेंगे, 2.5 इंच, और इन सब निशान को हम मिला लेते हैं और इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप देना है और 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से निशान बना लेना है। इस तरह से हमने इसे राउंड शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो उस तरह से देखिए मैंने बकरम पे कटिंग कर ली है। अब मैंने ये एक पीस लिया है कपड़े का और इसके ऊपर हम बकरम को इस पर रख के, अगर आपका पेस्टिंग बकरम है तो इसे प्रेस करके चिपका ले, अगर नहीं है तो इस पर सिलाई लगा लें। तो मैं इस पर सिलाई लगा ले रही हूँ क्योंकि ये मेरा पेस्टिंग बकरम नहीं है। तो उस तरह से हम सिलाई लगा के कपड़े के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब आधा आधा इंच का कपड़े का मार्जिन लेते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। हमने ये कंट्रास्ट कपड़ा लिया हुआ है। अब हमें इसमें 3-3 इंच के पीस कट करने हैं इस तरह से, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली हुई है और इस तरह के 3 इंच के हमें पीस कट करने हैं। अब इन सभी पीस को हम कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने पीसेस कट कर लिए हैं। अब एक पीस हम लेते हैं, इसे हम 2 फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक साइड हम यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस दोनों निशान को मिला लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमारी चौड़ी वाली साइड है वहाँ से हम इस तरह इसी से शेप देंगे और बाकी जो हमारे पीसेज हैं उसे भी हम इसी शेप में कट कर लेंगे। तो बाकी हमने सारे पीसेस इसी शेप के कट कर लिए हैं। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, तो हम भी 2 पीस ले लेते हैं। इसमें इसकी सीधी साइड अंदर रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हमें उसी शेप में सिलाई लगानी है। ऊपर का हिस्सा हम खुला रखेंगे। अब जहाँ से हमने खुला रखा है वहाँ से हम इसे सीधी साइड में पलट लेंगे। इस तरह से हम इसमें इसे पलट लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स है वो हम निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए हमने इसे पलट लिया है और बाकी पीसेस भी हम इसी तरह से पलट लेंगे सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने बाकी पीसेस भी इसके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम नेक में इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा कट बना देंगे और सेम इसी तरह से हम कुर्ती की नेक में भी बीच का सेंटर निकालेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए, और वहाँ भी हम एक कट बना देंगे इस
तरह से हम एक कट यहाँ भी बना देंगे। और अब इस दोनों सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से कपड़े को हम सीधी साइड से रखेंगे, और ये जो हमारा नेक के लिए हमने कटिंग की है बुकरम की, उसे हम उल्टी साइड से इसके ऊपर रखेंगे और दोनों सेंटर मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगानी है। तो इस तरह से जो हमने पीसेस कट किए थे सिलाई लगाते टाइम उसे भी इसके अंदर के साइड में रखते जाना है इस तरह से, और नेक की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कपड़े को हमने सीधी साइड रखा है और जो हमने बकरम का पीस कट किया हुआ है नेक के लिए उसको उल्टी साइड से रखा है, और इसके बीच में हम ये पैटर्न्स डालते जाएंगे, इस तरह से डालते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी नेक में इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है नेक में उसे कट कर लेंगे इस तरह से, और अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बना के इसे अंदर की साइड पलट लेंगे इस तरह से। जो हमारा बुकरम है उसे अंदर की साइड पलट लेंगे और पैटर्न को इसी तरह से सीधी साइड में रहने देंगे। इस तरह से हमें अंदर की साइड पलट लेना है। अंदर की साइड पलट के हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह, और इसे हम प्रेस लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कुछ बटन्स बना ली हैं फैब्रिक बटन्स, इसे हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो एक एक बटन्स हम इस तरह से इसके सेंटर में रखते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे सुई की हेल्प से। तो देखिए इस तरह से हमने बटन्स स्टिच कर लिए हैं, और अंदर की साइड हमने इसे तुरपाई लगा के इसे सेट कर लिया है, और हमारी नेक बन के रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।